आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी टेली क्लासेस। काफ़ी दिनों बाद ये आपका पेरोल का सेकेंड वीडियो आया है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, हमने सैलरी के बारे में जाना था, सैलरी स्लिप के बारे में जाना था, नेट सैलरी, बेसिक सैलरी, इन सभी के बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये वीडियो आपके पास लेट से पहुँचा है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पार्ट टू पेरोल का। स्टेप्स ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग। अब टैली में पेरोल प्रोसेसिंग जो है वो किस प्रकार से होती है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमें करना होगा क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स। जिस प्रकार से जब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री करने के लिए लेजर्स और ग्रुप को बनाते हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार से हमें क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स को यहाँ बनाना होगा इन पेरोल इन्फो में। टैली के हमारे नए फीचर में ये हमको सुविधा दी गई है कि हम इन पेरोल इन्फो का यूज़ करके हम वहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दो अलग अलग करके एम्प्लॉय के लिए डिटेल डालने के लिए हमें अलग अलग यहाँ पर टॉपिक्स मिलते हैं जिसे हम एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय नेम्स के अंतर्गत डालेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में है आपका, मान लीजिए आपके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, परचेस डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, सेल्स डिपार्टमेंट्स हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग जो है विभाग होते हैं किसी भी एक संगठन में या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे अलग अलग। ही डिपेंड करता है कि आपका व्यवसाय जो है वो किस प्रकार का, यदि मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें और भी ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऐड हो जाएंगे, ट्रेडिंग डिपार्टमेंट है या सिर्फ सेलिंग या मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलरली आपका जो व्यवसाय है ये किस प्रकार का है, किस नेचर का है। अब सेकेंड टॉपिक जो है हमारे, इसमें एम्प्लॉय नेम, यदि आपके इतने डिपार्टमेंट हैं या इनमें से कुछ डिपार्टमेंट है तो इसके लिए आप इसका ग्रुप बनाएंगे एम्प्लॉय ग्रुप के अंतर्गत। एम्प्लॉयज़ नेम, कर्मचारियों के नाम, जो जो आपके यहाँ वर्कर्स काम करते हैं जिसे हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं, उनके आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं एम्प्लॉयज़ नेम के अंतर्गत। जैसे अविनाश कुमार, सौरभ सिंह, सौम्या दास, इसमें आप उनका डेजिग्नेशन भी देख सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएट पेरोल मास्टर्स। अब क्रिएट पेरोल मास्टर्स में हमारा आता है पेरोल यूनिट्स, जैसे हम कहते हैं वर्क, और दूसरा है अटेंडेंस यानी प्रोडक्शन टाइप। जिस तरीके से हमें अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने के लिए लेजर्स को बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज इसमें एंट्री पास नहीं होगी, उसी प्रकार से हमें क्रिएट पेरोल मास्टर्स को यहाँ बनाना पड़ेगा। पेरोल यूनिट्स यानी जो वर्क की जो यूनिट होती है, इकाई होती है आवर्स में या मिनट्स, इसमें हम देखते हैं पेरोल जो है कार्य के कितने घंटे हैं, कितने समय का उसका उपयोग किया गया, और उसमें यदि ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे तो कितनी यूनिट्स को बनाया गया है। इस तरीके से यहाँ पर पेरोल यूनिट्स वर्क में हम इसे बनाएंगे। दूसरा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, अटेंडेंस जो है कर्मचारी एम्प्लॉय की अटेंडेंस है, उसके लिए हमें यहाँ डेटा फिलअप करना पड़ेगा। मान लीजिए महीने के हम 26 डेज जो है वर्किंग डेज होते हैं, बाकी के हमारे चार संडेज में जो है वो एक्सक्लूड हो जाते हैं 26 डेज को लेकर, और उसके हिसाब से यदि प्रोडक्शन टाइप है, कई बार हमारा ओवर टाइम हो जाता है, कई बार हमारा एब्सेंट हो जाता है, और हाफ डे, इस तरीके से हमारे अलग अलग क्या होते हैं, अटेंडेंस के टाइप होते हैं, तो यहाँ हम इसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएट पे हेड्स। पे हेड्स जो, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, जो पे हेड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इस पेरोल पे। जैसे अर्निंग्स यानी उसका जो अर्निंग्स है वो कितना है, इसमें हमें कितने सारे अलग अलग प्रकार के स्टेचुटरी डिडक्शंस करने पड़ेंगे। अर्निंग्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं, अलग अलग जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसके लिए हमें यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा, और भी हमारे जो अलग अलग डिडक्शंस है उसको भी हम लेके यहाँ पर
ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, मतलब कुछ आपके पॉइंट्स जो हैं वो उसमें ऐड होंगे और कुछ पॉइंट्स जो है वो उसमें डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट है क्रिएट सैलरी डिटेल। इसके बाद हम क्या करेंगे, सैलरी के डिटेल्स हैं जहाँ पे इंडिविजुअल पे स्ट्रक्चर और दूसरा है ग्रेड पे स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अलग अलग जो है इंडिविजुअल पे, मान लीजिए हम किसी को अलग अलग तरीके से पे कर रहे हैं, तो उसका जो पे करने का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। उसी प्रकार से ग्रेड पे स्ट्रक्चर भी होता है। इसके बारे में जब हम सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे तब आप इसको समझोगे। नेक्स्ट है पेरोल प्रोसेस। पेरोल प्रोसेस में हमारे तीन प्रोसेस जो हैं वो शामिल होते हैं, जैसे अटेंडेंस प्रोसेस, दूसरा है पेरोल प्रोसेस और तीसरा है पेरोल रिपोर्ट्स। अटेंडेंस प्रोसेस करने के बाद हम पेरोल प्रोसेस को करेंगे, फिर जाके हम पेरोल की पूरी रिपोर्टिंग वहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए चलिए हम एक बार सॉफ्टवेयर को ओपन करके देख लेते हैं और जो भी अपने अभी जानकारी देखी है सारी उसको एक बार डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं टैली पे। सबसे पहले तो हम एक कंपनी बना लेते हैं जहाँ पे हम पेरोल जो है पेरोल संबंधित सारे कार्य करेंगे। काफ़ी लंबा प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्रिएट कंपनी, तो यहाँ पर पेरोल प्रोसेसिंग, यहाँ मैं इस नाम से कंपनी बना रही हूँ। आप चाहे तो बाकी डिटेल्स भी यहाँ डाल सकते हैं। इस तरीके से इसमें कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इससे जुड़े जो है सारे ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है। हमेशा की तरह हम जाएंगे F11 पर और आप जाके देखेंगे यहाँ पर स्टेचुटरी और टैक्सेशन पे। ये हमारा जो फीचर जो है यहाँ पर अवेलेबल रहता है समटाइम, यहाँ पे अभी हमें शो नहीं हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर पर। तो अकाउंटिंग फीचर से ये रहा आपका मेन पेरोल के लिए जो फीचर है मेंटेन पेरोल, इसे हम एक्टिवेट कर देंगे, यस कर देंगे। और उससे जुड़ा एक और फीचर जो है हमारा मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। तो यदि आप इसके थ्रू भी बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम आगे चल के देखेंगे, अभी इसे फ़िलहाल जो है नो कर देते हैं। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब आप देख सकते हैं ऑल्ट F3 पर, सॉरी F11 F3 पर जो है हमारा स्टैचुटरी और टैक्सेशन पर, यहाँ पे आपको एनेबल पेरोल स्टैचुटरी और सेट अल्टर पेरोल स्टैचुटरी डिटेल्स जो है वो दिख रहा है। इसे एक्टिवेट करना ज़रूरी है क्योंकि पेरोल में जो है काफ़ी सारी हमारे टैक्सेशन से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं, डिडक्शंस अलाउंसेस वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह होते हैं। इसके लिए हमें फ़ीचर्स को एक्टिवेट करना होगा। तो सबसे पहले अकाउंट्स पे जाकर आप इसे पहले एक्टिवेट कर लें मेंटेन पेरोल, उसके बाद जाकर F3 पर स्टेचुटरी और टैक्सेशन पर हम यहाँ पर इसे डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ हम इसे एक्टिवेट करेंगे यस करके और सेट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स देखने को मिल रही है रिलेटेड टू पेरोल, जैसे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम, इनकम टैक्स डिटेल्स, ये सारी आपको यहाँ डिटेल फिलअप करनी होगी। प्रोविडेंट फंड, जैसा कि आपको पता है प्रोविडेंट फंड जो है एक तरीके का जो है वो पेंशन का जो है पार्ट होता है। पेंशन क्या है, जिस तरीके से हम किसी भी कंपनी में चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक सेक्टर पे हम काम करते हैं, यदि वहाँ के नियमानुसार यदि हमको पेंशन मिलना है तो उसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से सोशल हमें सिक्योरिटी मिलती है कि प्रोविडेंट फंड जो है वो हमें एक उम्र के बाद यानी कि 55, 50, 60 के बाद जो है हमें उसका जो है लाभ प्राप्त होगा, जब जबकि हमारी जब जॉब नहीं रहेगी तो इस तरीके से प्रोविडेंट फंड जो है हमें सुविधा प्रदान करेगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे भारत में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आने वाला एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे सैलरी का कुछ हिस्सा जो है हमारे प्रोविडेंट फंड में, पेंशन स्कीम्स में इस तरीके से अलग अलग जो है भागों में विभाजित रहता है, उसके बाद जाके हमको डिडक्ट करके हमें अपनी सैलरी पर मिलता है। प्रोविडेंट फंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोविडेंट फंड इज अनदर नेम ऑफ पेंशन फंड। इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्जिट फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब एक एम्प्लॉय जो है अपनी काफ़ी सारी सेवाएं जो है अपने वर्क पर दे चुका होता, अपनी संस्था पर दे चुका होता है और उसके बाद जब अपने रिटायरमेंट के टाइम के बाद जब उसे कुछ पैसों की या
अपने जीवन को चलाने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है, उस तरीके से पेंशन जो है वो उसके लिए मददगार होता है आफ्टर जब वो अपने वर्क से जो है एग्जिट हो जाता है, यानी अपना रिटायरमेंट ले लेता है। वर्कर्स गिव अ पोर्शन ऑफ देयर सैलरीज टू द प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयर्स मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट ऑन बिहाफ ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। ये प्रोविडेंट फंड जो में जो पैसा है वो नियोजित किया जाता है, निवेश किया जाता है जिस संगठन में वो कर्मचारी काम कर रहा है और उस संगठन के एम्प्लॉयर द्वारा जो उसे सैलरी पे कर रहा है, दोनों के कंट्रीब्यूट से जाकर फंड में पैसा जो है एक लमसम एक अमाउंट होता है, ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं। हर कंपनी का, हर सेक्टर का अपना अपना अलग अलग होता है, अलग अलग होता है कि वो कितनी मात्रा में या कितनी पोर्शन में जो है उस सैलरी के पार्ट का जो है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर द्वारा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए प्रोविडेंट फंड। ओनली एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द EPF एक्ट कैन इन्वेस्ट इन द EPF और PF। बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ द एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरीज एंड DNS अलाउंसेस एवरी मंथ टू द EPF अकाउंट। प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट होता है जिसे हम EPF बोलते हैं, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, जिस पे जो है जो कि रजिस्टर्ड होता है हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत, 1952 के अंतर्गत जो है वो रजिस्टर्ड होता है। और ये जो है उस कंपनी के कर्मचारी के लिए होता है, ये बाहरी व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। हालांकि एक PPF करके भी जो है हमारे देश में है, जहाँ पे कोई भी आम व्यक्ति जो है वो PPF अकाउंट खोल के उसमें जो है पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, अकाउंट में डाल सकता है। तो ये ऐसा ज़्यादातर माना जाता है, हर जगह परसेंट जो है अलग अलग होता है, ज़्यादातर 12% के अंतर्गत देखा जाता है। तो 12% के हिसाब से दोनों जन जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज जो है उस प्रोविडेंट फंड में पैसे को डालते हैं एवरी मंथ एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी से, और जो कि उसे DA प्राप्त होता है, DNS अलाउंस जो है महंगाई भत्ता है, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो इस पे जाता है। तो ये है प्रोविडेंट फंड। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रोविडेंट फंड जो है एक प्रकार की पेंशन स्कीम होती है, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट स्कीम होती है, जहाँ पर बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं कुछ सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस प्रकार से आप डाल सकते हैं कंपनी कोड, कंपनी अकाउंट कोड, कंपनी सिक्योरिटी कोड, एक नंबर होता है जो प्रोविडेंट फंड के अकाउंट खुलने के बाद हमें वहाँ पे मिलता है, उससे रिलेटेड हम इधर पे जानकारी डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस द स्कीम इज, ये भी एक गवर्नमेंट स्कीम होती है, द स्कीम इज मैनेज बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसे मैनेज करता है एम्प्लॉयज़ का जो स्टेट है, जैसे स्टेट में वो जॉब कर रहे हैं, जिस स्टेट के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है, वो इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी जो है वो इस स्कीम को मैनेज करती है। अ गवर्नमेंट एंटिटी दैट इज़ अ सेल्फ फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो कॉरपोरेशन है वर्क करती है गवर्नमेंट एंटिटी के अंतर्गत, एक तरीके से सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत के नियमों का पालन करते हुए, रेगुलेशंस का पालन करते हुए, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये काम करती है। ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इज अ टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। द एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम आर एंटाइटल्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर देमसेल्फ एंड देयर डिपेंड्स अनएम्प्लॉयमेंट कैश बेनिफिट इन सर्टन कंटीजीनियस एंड मटर्निटी बेनिफिट इन केस ऑफ वुमन एम्प्लॉयज। ESI जो है एक तरीके से जो है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत नियमों और भारत सरकार के अंतर्गत लॉ और रेगुलेशंस पे काम करने वाली स्कीम है कर्मचारियों के लिए और उनसे जुड़े हुए जिस सेक्टर पे वो काम कर रहा है। द एम्प्लॉयज़ रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम, एम्प्लॉय जो है इस स्कीम के अंतर्गत यदि रजिस्टर्ड होता है तो उसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स मिलता है और देयर डिपेंडेंस और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कैश बेनिफिट। यदि वो किसी कारण से अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गया है या फिर उसकी नौकरी चली गई है तो इस तरीके से उसे क्या देता है, एक कैश बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कराता है। इन सर्टेन कंटीजीनियसिस मतलब कुछ जो उसके व्यय होते हैं उनसे संबंधित जो है वो क्या करता है, कैश बेनिफिट को प्रदान करता है। और उस तरीके से मटर्निटी बेनिफिट्स जो है इन केस ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़, यदि कोई वुमेन एम्प्लॉयज़ है और वो
माँ बनने वाली है, तो उस तरीके से उसे जो मटर्निटी लीव्स मिलती है उससे जुड़े हुए जो बेनिफिट्स होते हैं वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो है वो प्रदान करता है। तो ये अपने अपने सेक्टर पे होता है, कहीं कहीं जगह पे ESI कंपलसरी है, कई कई जगह नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार का है, प्राइवेट है, पब्लिक है, इस तरीके से ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, हम इस पर देखते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम जो है 1995 में ये स्कीम हमारे भारत सरकार द्वारा जो है जारी किया गया था। इस पे भी जो है सेम जैसे हमारा प्रोविडेंट फंड था उसी तरीके से जो है दोनों गवर्नमेंट की एक रिटायरमेंट प्लानिंग वाली जो स्कीम होती है इसके अंतर्गत इम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों ही जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कई कई जगह जो है जो EPS इसको बोलते हैं, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, ये डिपेंड करता है और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस सेक्टर के एम्प्लॉयर की कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है इस पेंशन फंड की जो स्कीम जो है वो प्रोवाइड कराए। लेकिन ये NPS है यानी कि ये नेशनल पेंशन स्कीम है, ये भारत सरकार द्वारा जो है प्रोवाइड की जाती है और इसमें जो है एम्प्लॉय जो है वो रिक्वायर्ड ऐसा होता है कि वो अपने सैलरी का जो है 10% जो है इस पे NPS के नाम से यहाँ पर कंट्रीब्यूट करे। चलिए देख लेते इसके बारे में, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। द नेशनल पेंशन स्कीम इज़ अ सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि आपको बताया कि ये भी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत जो है रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं पेंशन से जुड़ी हुई। दिस पेंशन प्रोग्राम इज ओपन टू एम्प्लॉयज फ्रॉम द पब्लिक, प्राइवेट एंड इवन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स एक्सेप्ट दोज फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। पेंशन स्कीम जो है वो ये जो प्रोग्राम है, जो स्कीम है वो पब्लिक के लिए भी, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी और इवन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन सभी के लिए जो है ज़रूरी होता है। ये लगभग सभी जगह जो है आपको NPS जो है देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार की स्कीम जो है फॉलो करते हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ आर्म फोर्सेस जो है उसको छोड़कर, एक्सेप्ट दोस्त फ्रॉम दी आर्म फोर्सेस। यानी इसमें जो हमारी आर्मी नेवी वगैरह जो है, जो हमारी इंडियन आर्मी फोर्स है उनको एक्सेप्ट करके, क्योंकि उनको अलग से कुछ बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड होते हैं। द स्कीम इनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द पेंशन अकाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ये स्कीम जो है एम्प्लॉयज़ को जो है वो क्या करती है, एम्प्लॉयज़ या पीपल्स को, कि वो अपने पेंशन के लिए पेंशन अकाउंट एक ओपन कराए और एक रेगुलर इंटरवल पर जो है वो इसे क्या करे, इस PF पेंशन स्कीम में वो पैसा जो है वो डाले। आफ्टर रिटायरमेंट द सब्सक्राइबर्स कैन टेक आउट ऑफ सर्टन परसेंटेज ऑफ द कॉप्स। कुछ निश्चित समय के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद जो है जो सब्सक्राइबर्स होते हैं जिन्होंने अकाउंट ओपन किया उसमें पैसे डाले हैं वो एक निश्चित अमाउंट जो है उससे निकाल सकते हैं। एज एन NPS अकाउंट होल्डर यू विल रिसीव द रिमेनिंग अमाउंट एज अ मंथली पेंशन पोस्ट योर रिटायरमेंट। इसी को हम बोलते हैं कि आपने सुना होगा PS या PF जो बोलते हैं। NPS का जो होल्डर होता है, अकाउंट होल्डर होता है, वो पैसा जो है जो बाकी बचा हुआ पैसा उसे वो क्या प्राप्त होता है, मंथली एज अ पेंशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो ये है NPS। तो इस तरीके से जो है आप प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम जो है आपको, आपने जब इसको ओपन किया होगा तो एज अ अकाउंट होल्डर जो है या उस कंपनी का जो है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगा और आप इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पर फिल कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के प्रोसेस के बारे में समझेंगे, हमारा इनकम टैक्स जो है, बाकी काफ़ी सारी जो चीज़ें हमें बची हुई हैं, काफ़ी बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है, हमें एक एक पॉइंट्स को समझना, एक एक टॉपिक्स को समझना ज़रूरी है उसको प्रैक्टिकल करने के दौरान। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे को प्रोसेस को करेंगे।